जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे मेरे पास है ओप्पो के एनको बर्ड्स, और जैसा कि आप लोग फ्रंट में लुक देख पा रहे हो सेम यही कलर के बर्ड्स हम लोग ने ऑर्डर किए हैं जो है ब्लू कलर के। तो जल्दी से बॉक्स के ऊपर स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं और करते हैं इसको अनबॉक्सिंग। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो फ्रंट में आपको मिल जाएगा ओप्पो एनको और ब्लू कलर के जो बर्ड्स है, ओरिजिनली वही फोटो इसके ऊपर दिख जाएगी। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो तो एकदम माइनर सी व्हाइट कलर की ओप्पो की ब्रांडिंग की गई है जो कि विजिबल नहीं है इतनी। और पीछे की तरफ आपको मिल जाएंगे स्पेसिफिकेशन जो भी बॉक्स कंटेंट है उसका, और कलर लिखा हुआ है ब्लू। और नीचे की तरफ देखोगे तो आपको मिल जाएंगे कुछ की फीचर्स जो कि मैं जल्दी से पढ़ के आपको सुना देता हूँ। पहले है 24 आवर की बहुत बड़ी बैटरी, ब्लूटूथ वर्जन आपको मिल जाएगा 5.2 के साथ, लो लेटेंसी गेमिंग मोड है इसमें, मेंशन नहीं किया है लेकिन इसमें है 80 मिली सेकेंड्स की लो लेटेंसी गेमिंग मोड। बास ड्रिवन HD साउंड्स आपको मिल जाएगा इस हेडफोन के साथ, और इंटेलिजेंट कॉल नॉइस रिडक्शन भी आपको मिल जाएगा। और कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे है ओपन अप ऑटो कनेक्शन, जैसे ही आप इसका केस ओपन करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली बर्ड जो है फोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से इसको करते हैं अनबॉक्सिंग। तो जैसे ही बॉक्स आप लोग ओपन करोगे तो ऊपर ही आपको मिल जाएंगे ब्लूटूथ केस और अंदर होंगे बर्ड्स, तो इस तरह से आपको पैकिंग मिल जाएगी। इसको रखते हैं साइड पे और देखते हैं एक्सेसरीज में क्या है। तो एक्सेसरीज में आपको बहुत बढ़िया है, आपको ब्लू कलर की ईयर टिप्स मिल जाएंगी जो कि है सिलिकॉन की। मुझे लगा था कि ब्लैक कलर की आपको मिलेंगी लेकिन यहाँ पे आपको मिल रही है ब्लू कलर की जो कि बर्ड्स के साथ मैचिंग होगी और देखने में भी काफी कूल लगेगा। तो कुछ इस तरह की आपको सिलिकॉन टिप्स मिल जाएंगी, जैसे ही बर्ड्स के कलर है सेम वैसे ही कलर के टिप्स आपको स्मॉल और लार्ज मिल जाएंगी। और साथ में है कुछ दो बड़ी बड़ी पुस्तकें, जिसमें एक होंगी स्टार्टअप गाइड, तो इसको हम लोग कभी नहीं पढ़ेंगे, कुछ करना नहीं है, और इसको हम लोग कर देंगे बाय बाय पुस्तकें, ये सबको रखेंगे साइड पे। और अभी करते हैं बर्ड्स को ओपन। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे फुल साइनिंग आपको बर्ड्स में मिल जाएंगी, मैट फिनिश नहीं है यहाँ पे, फुल साइनी फिनिश है। पीछे की तरफ जो भी आपकी सेफ्टी रेगुलेशंस वगैरह जो भी प्रिंटिंग रहेगी वो पीछे की तरफ मिल जाएंगी। और आपको मिल रहा है USB टाइप सी का कनेक्टर। एक बात मुझे थोड़ी अजीब लगी कि इसके साथ जो है केबल हम लोग को नहीं मिल रहा है। अगर इसके साथ हम लोग को केबल भी मिल जाता USB टाइप सी इसको चार्जिंग करने के लिए तो काफ़ी बढ़िया रहता। कोई बात नहीं, इसको ओपन करते और देखते हैं। फ्रंट की तरफ आपको एक मिल जाएगा LED इंडिकेटर जो कि बर्ड्स ओपन करेंगे तो इंडिकेट करेगा। तो चलिए करते हैं फर्स्ट बूट। तो कुछ इस तरह से आपको बर्ड्स अंदर की तरफ देखने मिल जाएंगे। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ग्रीन लाइट जो है ब्लिंक कर रही है, इट मीन्स कि ये चले गए हैं पेयरिंग मोड में और हम इसको पेयर कर सकते हैं कोई भी डिवाइस के साथ। तो देख लेते हैं अभी बर्ड्स को। तो कुछ इस तरह से बर्ड आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे इंडिकेटर मार्किंग किया गया है लेफ्ट बर्ड के लिए लेफ्ट और राइट के लिए आर। तो ये है हमारे बर्ड्स। तो कुछ इस तरह के बर्ड आपको दिख जाएंगे। बर्ड्स भी काफी साइनी है, चमकीले चटकदार। पीछे की तरफ आपको मैट दिखेगा प्लास्टिक का और फ्रंट में आपको साइनी मिल जाएगा। तो इसमें है आपको ऊपर की तरफ एक माइक मिल जाएगा, यहाँ पे एक आपको इंडिकेटर लाइट है मेरे ख्याल से, या फिर माइक हो सकता है,
और अंदर की तरफ आपको चार्जिंग कनेक्टर्स मिल जाएंगे। तो चलिए इसको करते हैं अभी फोन के साथ पेयर और देखते हैं कैसे है। और आपको बर्ड्स में भी यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाएगा, एक लेफ्ट और राइट का। तो चलिए अभी लेते हैं फोन को और कनेक्ट करते हैं। तो पहले हम लोग को प्लेस करना होगा बर्ड्स को अपने अपनी पोजिशन पे और करेंगे फोन के साथ पेयर। तो फोन का हम लोग कर लेंगे ब्लूटूथ ऑन और बर्ड्स का केस जो है हम लोग कर लेंगे ओपन। पेयर अ न्यू डिवाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हो ग्रीन लाइट यहाँ पे ब्लिंक कर रही है, इट मीन्स ये पेयरिंग मोड पे चले गए हैं। तो अब यहाँ पे डिवाइस सर्च होने की देर है और यहाँ पे आ गए हैं ओप्पो एनको बर्ड्स। क्लिक करेंगे पेयर और कनेक्टेड, बैटरी परसेंट 100 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब बर्ड्स को निकालते हैं बाहर की तरफ। आप लोग देख रहे हो कि बर्ड्स यहाँ पे स्लिप हो रहे हैं मेरे डिस्प्ले के ऊपर, तो आप लोग जान सकते हो कि बर्ड्स कितने साइनी और स्लिपरी हो सकते हैं। तो ये चीज़ है पैर, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कानों पे लगा के कैसे दिखेंगे। तो यहाँ पे फोन के साथ कनेक्ट हो चुके हैं बर्ड्स और आप लोग इसको पहन पाओगे कुछ इस तरह से। और यहाँ पे आपको फुल टच कंट्रोल्स भी मिल जाएंगे इसी बर्ड्स में, छोटे से बर्ड्स में आपको टच कंट्रोल्स भी मिल रहे हैं। तो देख लेते एक बार साउंड कैसा है इसका। और डिजाइन काफी अच्छी है, जो कि नीचे स्टैम वगैरह नहीं दी गई, तो आप लोग इसको सो के भी अच्छी तरह से म्यूजिक का मजा ले पाएंगे या फिर गेमिंग कर रहे हो तो गेमिंग का भी मजा आप लोग ले पाएंगे सोते सोते, क्योंकि इसका डिजाइन जो है फ्लैट है। आप यहाँ पे रखोगे अगर पिलो पे आपका ईयर वगैरह होगा तो भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो करिए करते अभी साउंड टेस्ट इसका। ओके तो जैसे कि यहाँ पे मैंने साउंड टेस्ट किया और इसके थोड़े कंट्रोल्स भी मैंने चेक कर लिए, तो साउंड इसका काफ़ी बैलेंस्ड है। आपको बेस भी मिल जाएगा, ट्रेबल मिल जाएगा और आपकी साउंड की जो वोकल्स की क्लियरिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है इसमें। जैसे कि मैंने थोड़े दिन पहले ही अनबॉक्सिंग किया था डीजो के बर्ड्स का, अगर उसके साथ मैं कंपेयर करूँ तो उसके लेवल के ही ये बर्ड्स है। उसमें भी काफ़ी अच्छा बेस आपको मिल रहा है, काफ़ी अच्छा वोकल्स मिल रहा है और ट्रेबल्स भी काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं इसमें। और इसकी अगर मैं बात करूँ टच कंट्रोल्स की, तो इस पर दोनों साइड आप डबल टैप करोगे, मतलब कोई भी ईयरफोन जैसे कि राइट वाला आप डबल टैप करोगे तो भी सॉन्ग है फॉरवर्ड हो रहा है, और लेफ्ट वाला भी अगर आप डबल टैप करोगे तो भी सॉन्ग फॉरवर्ड ही हो रहा है। शायद इसका ऐप होगा, मुझे पता नहीं है कि ऐप है कि नहीं इसका। और प्रेस एंड होल्ड करोगे लेफ्ट वन तो आपका वॉल्यूम जो है लो होगा, और राइट वाला प्रेस एंड होल्ड करके रखोगे तो वॉल्यूम जो है प्लस होगा। और सिंगल टैप पे प्ले एंड पॉज इस पे हो रहा है, इसकी मदद से आप लोग कॉल भी अटेंड और डिसकनेक्ट कर पाओगे। और इसका भी सेल में प्राइस रेंज चल रहा है 1499 में। आपको बहुत सारे फीचर्स मिल रहे हैं इसमें, वॉल्यूम कंट्रोल्स के फीचर भी आपको मिल रहे हैं, जैसा कि आप लोग लेफ्ट में प्रेस एंड होल्ड करके तो वॉल्यूम डाउन और राइट में प्रेस एंड होल्ड करके तो वॉल्यूम अप होगा। और साथ ही में आपको 80 मिलीसेकंड्स की गेमिंग मोड भी इसमें मिल रहा है, और गेमिंग मोड ऑन करने के लिए आपको करना होगा राइट बर्ड को ट्रिपल टैप, ट्रिपल टैप पे ही आपको गेमिंग मोड ऑन और गेमिंग मोड ऑफ हो जाएगा। तो ये प्राइस रेंज में वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है ओप्पो के बर्ड्स। और आपको अगर ये बर्ड्स जीतना है, जैसे कि मैं इसका गिव अवे कॉन्टेस्ट भी करने वाला हूं, तो जल्दी से इस चैनल के सब्सक्राइबर्स को पहुंचा दीजिए 1K के ऊपर, तभी मैं इसका करूंगा गिव अवे। तो जल्दी से ये वीडियो को कर लीजिए शेयर और कर लीजिए लाइक, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े और चैनल के सब्सक्राइबर हो जाए 1K के पार। तो ये था मेरे आज के इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।